नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी से एक खास विषय पर बातचीत करने आई हूं। बातचीत तो लाजमी है कि यह राजनीतिक बातें हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो आजकल का रुख है या कांग्रेस ने जो सड़क आंदोलन किया है, अभी सड़क पर जो उतरी हुई है, इसके बारे में आज थोड़ी बहुत बातचीत मैं आप सभी से करने जा रही हूँ। तो राजनीतिक सरगर्मी या कहें कि सदन में जो कांग्रेस की बात को नहीं सुना जा रहा है या उसका सही मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है, उसकी बातों को सुनकर अनसुना किया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में कांग्रेस ने यह जरूरी समझा सड़क पर उतरना। क्या होता है कि राजनीति में कुछ ऐसी समस्याएं देखी गई हैं जिन समस्या का समाधान जो है वो सड़क पर उतरने के बाद ही लोगों को मिला है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष दल यानी कांग्रेस ने अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरना जरूरी समझा है। कल यानी कि रविवार जेठ 13 गते पूरे दिन कांग्रेस काठमांडू उपत्यका के विभिन्न भागों से निकलकर लोग एक साथ सड़क पर उतरे हैं। खास करके काठमांडू 10 के क्षेत्र, ललितपुर 3 का क्षेत्र और भक्तपुर 2 के निर्वाचन क्षेत्र से लोगों को कांग्रेस ने एकत्रित किया और एक भव्य विरोध सभा किया। कांग्रेस अचानक से सड़क पर नहीं उतरी होगी। कांग्रेस ने बार बार विरोध किया है, अपनी असहमति जताई है और संसद अवरुद्ध किया है, नारेबाजी भी की है। उसे जिस विषय पर आपत्ति है उसने सत्ता पक्ष से खुलकर कहा है, लेकिन सत्ता पक्ष को जितनी गहराई से इन बातों को लेना चाहिए था, सत्ता पक्ष ने उतनी गहराई से इन बातों को नहीं लिया। हार कर कांग्रेस ने सड़क आंदोलन का सहारा लिया है। अब सवाल उठता है कि क्यों कांग्रेस ने सरकार के विरुद्ध सड़क पर उतरना जरूरी समझा है, या क्यों कांग्रेस सड़क से ही समस्या का समाधान करना चाहती है। इसके लिए तो संसद है और वह चाहती है तो संसद में अपनी बात रख सकती है। उसने संसद में अपनी बात को रखा भी है। कांग्रेस के नेता बार बार संसद का अवरोध कर रहे थे, फिर भी जब उनकी बात को नहीं सुना गया तो वो उतरे हैं सड़क पर। कांग्रेस अकेली नहीं है, इसमें अन्य दल भी उनके साथ हैं, जो कि चाहते हैं कि सहकारी धोखाधड़ी प्रकरण को लेकर गंभीर है और वह चाहती है कि जितनी ही गंभीर कांग्रेस है उतनी ही गंभीर सरकार भी बने और उसकी बातों को सुने और इस पे निष्पक्ष होकर के जो है काम करे। इस प्रकरण में उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री रवि लामी छाने का नाम लिया जा रहा है, उनका नाम जोड़ा जा रहा है और इसकी बार बार पुष्टि भी हुई है। इसके बाद कांग्रेस ने बार बार मांग की है कि इस सहकारी धोखाधड़ी प्रकरण को लेकर के छानबीन के लिए एक समिति बनाई जाए। पहले तो सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कांग्रेस बार बार संसद अवरुद्ध करती आ रही थी और इस कारण से सत्ता पक्ष मानी, क्योंकि सरकार की अपनी एक नीति थी जिसके तहत उसे नीति तथा कार्यक्रम पारित करना था, प्रधानमंत्री को विश्वास मत लेना था, जेठ 15 गते बजट आना है। इसलिए संसद अवरुद्ध के कारण अगर ये काम नहीं हो पाता तो सत्ता पक्ष ने छानबीन समिति पर अपनी सहमति जताई और सहमति और समिति बनी भी। इसके बाद संसद में जिस तरह का रुख किया गया वह भी अपने आप में विचित्र थी। सबसे पहला काम क्या किया गया? सबसे पहला काम यह किया गया कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस तथा अन्य दल के विरोध और नारेबाजी के बावजूद विश्वास मत लिया। दूसरा, कांग्रेस के विरोध के बीच ही सरकार ने बिना किसी चर्चे के नीति तथा कार्यक्रम पारित किया। कांग्रेस तथा अन्य दल विरोध करते रहे, नारेबाजी होती रही, लेकिन सरकार ने किसी बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मनमानी की। अब रह गया है बजट, तो सरकार ने इसके लिए भी तैयारी कर ली है। चाहे कितने भी विरोध हो, नारेबाजी हो, वह संसद से ही बजट लाएगी। सत्ता गठबंधन इस विकल्प की भी तैयारी में है कि बजट अध्यादेश से लाया जाए। एमाले के प्रमुख सचेतक महेश बरतौला ने खुलकर कहा है कि आप नारेबाजी करें, आप विरोध करें, अवरोध पैदा करें, कोई बात नहीं है, इन सब के बावजूद संसद से बजट आएगी। उन्होंने कहा कि संसद से बजट प्रस्तुत होगी, यदि नारेबाजी से अर्थमंत्री को दिक्कत होगी तो वो कान में रुई डालेंगे और बजट पढ़ेंगे। यानी प्रतिपक्ष अपना विरोध का काम करेगी और सत्ता पक्ष संसद में
अवरोध के बावजूद अपना कार्य करेगी। हालांकि प्रधानमंत्री बहुत प्रयास कर रहे हैं संसद में अवरोध नहीं हो, संसद से ही बजट लाया जाए, इसकी पहल वो अपनी तरफ से कर रहे हैं। रविवार को वो देवा निवास जाकर उनसे मिले, उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्षों की भी सहमति हो जाएगी, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपनी अपनी बातों पर अडिग हैं। कांग्रेस की मांग है कि सहकारी धोखाधड़ी प्रकरण की छानबीन के लिए संसदीय समिति बने, लेकिन बात कार्यादेश को लेकर अटक गई। कांग्रेस का कहना है कि इस प्रकरण में संलग्न व्यक्ति कौन कौन है इसके बारे में उल्लेख होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो छानबीन नहीं हो पाएगी। हम अपनी बात पर अड़े रहेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि यह काम करना कोई जरूरी नहीं है। उनका कहना है कि संस्था के नाम का उल्लेख करने के बाद व्यक्तियों के नाम का उल्लेख करना कोई जरूरी नहीं है। सत्ता पक्ष भी अपनी इस बात पर अड़ी हुई है और इसमें कांग्रेस सहमत नहीं है। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कार्यादेश को लेकर बात नहीं बनी तो हम अवरुद्ध करेंगे। कल की विरोध सभा को संबोधन करते हुए पार्टी महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा ने कहा कि सड़क में कांग्रेस के आने का कारण है। उन्होंने कहा कि संसद में सरकार की भूमिका जबरदस्ती की रही है। प्रधानमंत्री के विश्वास मत को लेकर भी उन्होंने कहा कि विश्वास मत के लिए 21 दिन बाकी था, लेकिन विरोध और नारेबाजी के बीच प्रधानमंत्री ने विश्वास मत लिया। जिस तरह से वे प्रस्तुत हुए वह क्या जरूरी था? प्रधानमंत्री को विनम्रता का पाठ पढ़ाने और संयम का पाठ सिखाने के लिए हम सड़क पर उतरे हैं और आज प्रदर्शनी मार्ग में उपस्थित हैं। महामंत्री शर्मा के मुताबिक वे सहकारी घोटाले को लेकर सत्ता पक्ष के झूठ का सच प्रचारित करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज हम सड़क का सहारा लेकर जनता को सरकार का सच दिखाने जा रहे हैं। आज देश में गृह मंत्रालय समेत कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि झूठ को सच का मुखौटा पहनाया जा रहा है। कल के सड़क आंदोलन में शर्मा ने अपने एक घंटे के लंबे भाषण में बहुत सी बातों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ओली लामी छाने का बचाव कर रहे हैं, इसका प्रमुख कारण है सत्ता। प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार को बनाए रखने के लिए लामी छाने के नेतृत्व वाली रासपा का समर्थन जरूरी है। सत्ता में बने रहने के लिए लामी छाने का बचाव जरूरी है, इसलिए ओली नहीं चाहते हैं कि छानबीन समिति के बहाने लामी छाने को आगे लाया जाए। वैसे यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोई राजनीतिक दल किसी विषय पर सदन को लेकर के सड़क पर उतरी है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार के बहुत से मामले को लेकर के राजनीतिक दल ने सदन में पहले हंगामा किया, सदन में जब बात नहीं बनी तो सड़क पर उतरे हैं। तो यहाँ जब बात सदन में नहीं बनती है तो सड़क पर उतरते हैं लोग। अनगिनत घोटाले हैं जिन्हें गिनवाना संभव नहीं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि भ्रष्टाचार को लेकर सड़क पर उतरते हैं राजनीतिक दल, दो चार दिन तक खूब हो हल्ला करते हैं, नारेबाजी करते हैं और पता नहीं कब क्या कहां कैसी बात मिल जाती है कि आंदोलन समाप्त कर दिया जाता है। वो फाइल कुछ इस तरह से बंद हो जाता है कि फिर खुलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अब देखें क्या रंग लाती है कांग्रेस द्वारा किया जा रहा सड़क आंदोलन। नमस्कार।